हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम आरशाई ऑनलाइन क्लासेस। आवर नेक्स्ट टॉपिक, देखो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे चार्ज स्फेरिकल सेल पे। थर्ड पॉइंट है, इफ पॉइंट बी इज सिचुएटेड एट इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है, देखिए क्या आपका कोई चार्ज स्फेरिकल सेल है, चार्ज जो है स्फीयर है, इस पे चार्ज आउटसाइड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। इस स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर है, सॉरी कैपिटल आर है, और पॉइंट कहाँ सिचुएटेड है, पॉइंट सिचुएटेड है इनसाइड, इनसाइड यहाँ पे है पॉइंट पी सिचुएटेड है, ये स्मॉल आर है, ये सेंटर। ठीक है, जब पॉइंट पी इनसाइड है जो भी चार्ज स्फीयर है उसके, तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वी नो दैट रिलेशन बिटवीन, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन ई एंड डी। ठीक है, क्या रिलेशन था, ई इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, बताएगा। अच्छा जी, देखिए अब जो आपका यूनिट चार्ज है यहां से इंफिनिटी से, या इंफिनिटी पे प्लेस्ड है, इंफिनिटी से ये जो यूनिट चार्ज है टेस्ट चार्ज, ये कैसा चार्ज है टेस्ट चार्ज, ये यहां आएगा तो पहले कहां पहुंचेगा, पहले ये पहुंचेगा सरफेस पे, और सरफेस से फिर कहां पहुंचेगा इनसाइड, बोलो नहीं क्या। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को इस पे दो लिमिट लगानी है, ये जो फॉर्मूला है इसको डिवाइड कर देते हैं टू पार्ट्स में, तो v इज इक्वल टू v इन लिख लेते हैं इसको, v इज इक्वल टू नेगेटिव साइन, एक तो इंफिनिटी से कहां आएगा, इंफिनिटी से सरफेस पे आएगा, और सरफेस कैपिटल r, और e डॉट dr, एंड नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन, और कहां से कहां आएगा, कैपिटल आर से स्मॉल आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर, और ये ई इन हो जाएगा इनटू डी। जब कैपिटल आर से स्मॉल आर पे आएगा तो इनसाइड रहेगा, इनसाइड रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, और जब आउटसाइड रहेगा तो ये रहेगा। ठीक है सरफेस। अच्छा ये बताइए, इसको देखकर लिमिट समझ में आई क्या, लिमिट जो इंटीग्रेशन की है, ये जो फॉर्मूला था इसको दो पार्ट में हमने तोड़ दिया है। कैसे तोड़ा, मैंने बताया था अभी कि पहले तो ये टेस्ट चार्ज इनफिनिटी से कहां आएगा, ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पर इनफिनिटी से सरफेस पे आएगा, तो लिमिट हो जाएगी इनफिनिटी टू कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर यहां सरफेस पे आने के बाद यहां से यहां जाएगा, यहां से जाएगा तो क्या है, कैपिटल आर से कहां जा रहा है, कैपिटल आर से स्मॉल आर, तो लिमिट हो जाएगी एक तो इनफिनिटी से कैपिटल आर, और एक हो जाएगी कैपिटल आर से स्मॉल आर। ठीक है, अच्छा वी नो दैट जो है वो रहेगा जीरो, यानी कि जो आपका स्फीयर है चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, उसकी इनसाइड इनसाइड जो है वो चार्ज एब्सेंट है, इनसाइड चार्ज जो है वो एब्सेंट है, चार्ज एब्सेंट है, और E इज इक्वल टू होता है अपॉन Q नॉट या Q, तो चार्ज एब्सेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा एब्सेंट, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या रहेगा जीरो जीरो। ठीक है, जीरो रखेंगे तो क्या जाएगा बेटा, आपके पास आ जाएगा v इन इज इक्वल टू नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू कैपिटल आर e डॉट dr माइनस जीरो, जब ये जीरो करेंगे तो कंप्लीट जीरो। ठीक है, अब आपके पास आ गया, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसको रफ कर देता हूं, देखिए इसको रफ कर दिया, अब देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया v in is equal to negative sign integration infinity to capital R e dot dr। ठीक है, e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e की वैल्यू होती है 1 upon 4 pi epsilon naught q upon small r square। ठीक है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या आ जाएगा, v इन इज इक्वल टू नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन का
ठीक है, ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा पॉजिटिव जाएगा, तो बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन आर इज आर लिमिट इनफिनिटी टू कैपिटल। ये नेगेटिव साइन अंदर गया पॉजिटिव हो गया, टेकिंग लिमिट सब्स्टिट्यूट लिमिट, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा क्यू अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन आर नेगेटिव साइन वन अपॉन इनफिनिटी। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो वन अपॉन आर, फिर लोअर लिमिट वन अपॉन इनफिनिटी, ठीक है। वी नो दैट वन अपॉन इनफिनिटी जीरो, तो आपके पास आ जाएगा बेटा यहां से देखिए, तो वी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन आर, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये आ गया इनसाइड द स्फीयर, यानी कि जो हमारा चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया है वो सरफेस के इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो V सरफेस था, V सरफेस भी आपके पास आया था वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर, जानेगा ये दोनों सेम है, दोनों सेम रहेंगे सरफेस पे इनसाइड, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो था, लेकिन यहाँ पोटेंशियल जीरो नहीं होता, ये ध्यान रखना है, बोर्ड में कई बार ये सवाल आता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखें कि यहाँ जो वी एस है, जो वी इन है वो क्या है, आर पे जो स्मॉल आर है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए आर नॉट का मतलब होता है आर पे डिपेंड नहीं करना। इसका मतलब अगर वी और आर में ग्राफ देखें तो वी और आर का ग्राफ कैसा आएगा बेटा, इस तरह से कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी कि आर पे डिपेंड नहीं कर रहा तो कॉन्स्टेंट, यानी वी की वैल्यू चेंज नहीं होगी विद रेस्पेक्ट टू आर, ठीक है। अब तीनों का एक एक ग्राफ में तो वी वी जो आपके पास आउट आया था, वी आउट क्या आया था वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर, ये भी आउट आया था, ठीक है। तीनों का ग्राफ देखते हैं तो तीनों का ग्राफ क्या आ जाएगा, देखो तीनों का ग्राफ देखते हैं तो ये आपने ले लिया स्मॉल आर और इधर ले लिया आपने वी, ठीक है, और ये है स्फीयर का सेंटर, लेट अस कंसीडर। अच्छा ये बताओ ये सेंटर है, ये आ रही है, ये वी इन और वी एस तो इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले ग्राफ इस तरह से चलेगा और फिर क्या होगा, यहाँ मान लीजिए सरफेस है जहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है इक्वल, और यहाँ पे आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो सरफेस पे इस तरह से चलेगा और इनसाइड भी इस तरह से चलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा जो वी आउट है वो वी आउट क्या है एंटी प्रोपोर्शनल है वन अपॉन आर, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा एंटी प्रोपोर्शनल के लिए इस तरह से ये आ जाएगा, वी आउट इज एंटी प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर, और यहाँ वी है वी इन आ जाएगा, वी इन क्या है आर नॉट, यानी कि आप स्मॉल आर पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो ये जो ग्राफ है इसमें आपको ध्यान से देखना है, तो ये जो यहां से लेकर और यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक वो है स्फीयर जो बनाया था हमने, जो स्फीयर बनाया था उस स्फीयर की यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ओ से ए अगर अपन माने तो ये कैपिटल आर है, तो ओ से अगर ये पॉइंट ए ले तो यहां तक जो है वो ग्राफ कॉन्स्टेंट रहता है वी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। आर की वैल्यू जो है चेंज नहीं, कितनी भी चेंज हो जाए वी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, और फिर एंटी प्रोपोर्शनल यानी कि आउटसाइड, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया आपके, ठीक है ना। अच्छा इन तीनों को आपको याद रखना है, अब स्फीयर के जो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसिडर किया था तो वी इन कितना आया था जानेगा जीरो था, जो कंडक्टिंग स्फीयर था उसमें इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, सरफेस पे क्या था बेटा ES इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन सरफेस के लिए कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा वी आउट और ई आउट कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आया था वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आया था क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। डिफरेंस देखो तीन, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज स्फेरिकल सर, तो इन साइड इसमें जीरो है इसमें जीरो नहीं होगा, यहाँ
यहाँ सरफेस पे वैल्यू है, यहाँ सरफेस पे वैल्यू है, ठीक है। आउटसाइड में ये है, यहाँ ये है, बस क्या फर्क है, एक तो इनसाइड का फर्क है, एक यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ आर है, यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ आर, ठीक है ना। अच्छा इसका ग्राफ आपने देखा था, इसका ग्राफ कैसा आया था इनसाइड का, इसका ग्राफ थोड़ा सा इस तरह से आया था, अगर आप देखो इस तरह से, ठीक है ना, इनसाइड में जीरो था और फिर उसके बाद इस तरह से बनाया, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।